कर्मों को बढ़ाना और कर्मों को घटाना ये हमारे ही हाथ में होता है, और इसलिए मैं आज आपको एक ऐसी प्रेरणा देना चाहता हूँ जिसे भगवान महावीर ने कर्मक्षय का महत्वपूर्ण साधन बताया है और जिसको कहा जाता है वंदना। आप जब लॉकडाउन के समय में घर पे ही हो तो धर्म का धर्म हो जाए और फिजिकली फिट भी हो जाओ। भगवान महावीर ने कहा वंदनेनम वंते जीव किम जनिए, वंदना से क्या लाभ होता है। गौतम स्वामी ने जब भगवान महावीर को प्रश्न पूछा विनय भाव के साथ, तब भगवान ने कहा कि वंदनेनम निया गोयम कम्मम खवे, वंदना से निज गोत्र कर्म क्षय हो जाते हैं और उच्च गोत्र कर्मों का बंध होता है। ये क्या होता है? गोत्र की व्याख्या होती स्थान और स्थिति। जब हम वंदना करते हैं तो हमारे अंदर में एक समर्पणता का भाव होता है, हमारे अंदर का ईगो जीरो होता है, और जब हमारे अंदर का ईगो शून्यत्व को प्राप्त होता है तब वंदना सार्थक हो जाती है। वंदना अपने आप में ही हमारे शरीर के सारे ही अंगों को बल तो प्रदान करता ही है, लेकिन जहाँ कहीं पर भी एक्यूप्रेशर का पॉइंट है वो पॉइंट भी कर देता है। साथ साथ में वंदना के भाव अपने आप में ही एक न्यूनता और एक शून्यता के भाव होते हैं। आपने देखा होगा कि जिस बात की आप अहंकार करते हो ना, थोड़े दिनों में वो बात आपसे छूट जाती है। किसी को बहुत अच्छी सब्जी बनाने आती है, फिर उसका वो बिगड़ जाता है। किसी सब्जेक्ट में अपना अहंकार प्रकट होता है और फिर आपने देखा होगा कि वो अहंकार उसका चले ही नहीं, ऐसा हो जाता है। भगवान ने कहा कि जब हम अहंकार करते हैं तब हम नीच गोत्र कर्मों का बंद करते हैं, और नीच गोत्र कर्मों के कारण हमारे पास जो कुछ उपलब्धि होती वो सब शून्य हो जाती है। और इसलिए मेरे को आज आपको ये कहना है कि आप घर पे ही हो, चलो सुबह की शुरुआत कर लो कि आप सुबह उठ के देखो तो अयाहीनम पयाहीनम वंदामि, फिर सर को झुकाते हुए मस्तक को झुकाते हुए नमन सामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पजवासामी मत एण वंदामि। आपने एक वंदना की अहोभाव से वंदना की, आप जब दूसरी वंदना करोगे तो फिर वापस खड़े हो जाओगे देखो तो अयाहीनम पयाहीनम वंदामि नमन स्वामी, फिर नमन स्वामी करते हुए आप अपने मस्तक को जमीन तक ले जाओगे और फिर वापस एक बार खड़ा करोगे और फिर कहोगे सत्कार एमि सम्मान एमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पजवास मथेन वंदामि। तिकोतों की व्याख्या होती कि तीन बार अयहम व्यहणम, हे प्रभु मैं आपके आसपास में प्रदक्षिणा करता हूँ, आपके भावों को मैं स्वीकार करता हूँ, वंदामि मैं आपको वंदन करता हूँ, नमन स्वामी मैं आपको नमस्कार करता हूँ, सत्कारेमि मैं आपका सत्कार करता हूँ, सम्मान में मैं आपको कुछ न कुछ अर्पण करके आपका सम्मान करता हूँ, कल्याणम आप कल्याण स्वरूप है, मंगलम आप मंगल स्वरूप है, देवयम आप देव स्वरूप है, चैयम आप ज्ञान स्वरूप है, वज्वा स्वामी आपकी परिपासना करते हुए मैं आपको अपने आप को समर्पित करते हुए मैं मेरे अहंकार को मैं मेरे ईगो को मैं मेरी इच्छाओं को आपके सामने शून्य करता हूँ, मेरे मस्तक को अर्पण करता हूं। जब वंदना के भाव आते हैं तब हमारे अंदर में एक श्रेष्ठता और एक सामान्यता का भाव आता है। कोई श्रेष्ठ है तभी मैं झुक सकता हूं, कोई उत्तम है तब मैं उसके सामने झुक सकता हूं,
और जब मैं उसकी उत्तमता का स्वीकार करता हूँ तब उसकी उत्तमता को मेरे अंदर में ग्रहण करने के भाव करता हूँ। प्रभु आपके अंदर के अनंत आत्मगुणों को जब मैं स्वीकार करता हूँ तब मेरे अंदर में भी वो आत्मगुण प्रकट होने के बीज बो देता हूँ, और जब हमारे अंदर में आत्मगुणों को प्रकट करने के बीज बोए जाते हैं तब क्या होता है, तब हम अपने आप में ही एक अलग प्रकार की अनुभूति करते हैं। और इसलिए मुझे आपको कहना है कि आपको बहुत भावों के साथ, बहुत ही भावों के साथ इस वंदना को करना है। सुबह उठ गए, समय ही समय है, आपने 3 वंदना कर ली। थोड़ी देर के बाद आपको समय मिल गया, वापिस आपने 3 वंदना कर ली। आपको 10 बजे वापिस समय मिल गया है, अभी टाइम टेबल बना लो, घर पे ही हो, शरीर भी फिट हो जाएगा, मन भी प्रसन्न हो जाएगा। और निज गोत्र कर्मक्षय होने के कारण भगवान ने कहा कि जहां आपकी कदर नहीं होती वहां पे कदर होना शुरू हो जाएगा, जहां आपकी वैल्यू नहीं होती वहां पे आपकी वैल्यू होना शुरू हो जाता है। इससे भी भगवान ने आगे बताया, निया गोयम कमम कवि उच्चा गोयम कम नहीं बंदी सोहगम, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब परिहयम, वो व्यक्ति जब कुछ भी भाव को प्रकट करता है उसका कोई प्रतिकार नहीं करता, सब उसको स्वीकार कर लेते हैं। आना फलम नियति, वो जो आज्ञा देता है आपको ऐसा करना है उसी प्रकार से हो जाते हैं। वो जो सोचता है वो उसी प्रकार से होने लगता है। वो जो भी आदेश देता है उस आदेश का व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। वंदना ने बहुत सारे भावों को प्रकट किया है। आगम शास्त्र में आप देखेंगे तो बहुत सारी जगह पर वंदना के लिए इतना वर्णन आता है। बस हम उस वंदन भाव का स्वीकार करते हुए पूरे दिन में समय मिलते 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 27 वंदना का संकल्प करें कि अभी रोज हम 27 बार वंदना करेंगे। आप देखोगे एक दो दिन में ही आप फिजिकली एक अलग प्रकार की फिटनेस का अनुभव करोगे, एक अलग प्रकार की प्रसन्नता का अनुभव करोगे, आप एक अलग प्रकार के भाव का अनुभव करोगे। और इसलिए मेरे मुझे आज आपको कहना है कि आपको एवरीडे 27 वंदना का संकल्प करके इन दिनों को सार्थक करना है।